हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरुजी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान सेकंड ग्रेड वालों के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। उनको जल्द ही एक बड़ी खुशखबरी है वो मिलने वाली है। तो दोस्तों, क्या है पूरी न्यूज़ चलिए आपको बताते हैं। उससे पहले, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों, संस्था प्रधान का जिम्मा वरिष्ठ अध्यापक को देने की तैयारी। राज्य के ऐसे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल जहाँ संस्था प्रधान नहीं है, वहाँ पर वरिष्ठ अध्यापक लगाकर जिम्मा दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। राज्य के प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक स्कूल में पदों का विद्यालयवार आवंटन व सामान्यकरण पदस्थापन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश ऐसे प्राइमरी स्कूल जहाँ 150 से अधिक नामांकन है, वहाँ वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत नहीं है, ऐसे स्कूल में सामान्य विज्ञान विषय का वरिष्ठ अध्यापक संस्था प्रधान का जिम्मा संभालेगा। इसी प्रकार नवकर्मोन्नत उच्च प्राथमिक स्कूल में सेकंड ग्रेड टीचर का सामान्य विज्ञान विषय के वरिष्ठ अध्यापक के 50-50 प्रति वरिष्ठ अध्यापक को यह जिम्मा देंगे, पीटीआई भी लेंगे। इसी प्रकार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल में थर्ड ग्रेड पीटीआई को लगाया जा सकेगा। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्कूल में लेवल प्रथम में प्रशिक्षु टीचर, शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर, वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, प्रबंधक प्रथम स्तर को लगाया जा सकेगा। तो दोस्तों, ये न्यूज़ तैयार से करता हूँ। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।